ये ठीक मेरे पीछे सिद्धि विनायक टेम्पल है और इसमें जाके आप दर्शन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएल लाइफ। और आज मैं आया हुआ हूँ मुंबई और पूरे मुंबई का घूमने वाला हूँ मैं। और मुंबई में जो मेन मेन पॉइंट है, जुहू बीच, नरीमन पॉइंट, शाहरुख खान का घर, ये भी एक मेन पॉइंट ही है, और गेटवे ऑफ इंडिया, सब कुछ मैं घूमूंगा। और इस वीडियो में मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा, तो हमारी इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए चलते हैं मुंबई दर्शन के लिए। तो ये हमारा पहला स्पॉट है गेटवे ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं पीछे ये गेटवे ऑफ इंडिया है, और इस गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने ये ताज होटल, ताज पैलेस होटल, जो पैलेस है और कुछ दिनों पहले जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो ये वही होटल है। सारे बोट लगे हुए हैं और यहीं से हम लोग गुफा एलिफेंटा केव्स वगैरह जाना हो तो यहीं से बोट मिलते हैं, और इस बोट को लेकर हम एलिफेंटा केव जा सकते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो भीड़ देखिए, लोगों की भीड़ कितनी है यहाँ पे। और सर इंजॉय कर रहे हैं? अवश्य अवश्य, वी आर रॉकिंग। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, 12 साल तक के बच्चे उसके अंदर जा सकते हैं। इधर देखिए सी है, अभी हम लोग खड़े हैं हाजी अली पे, हाजी अली दरगाह। आप यहाँ देखिए, करीब 500-600 मीटर पानी समुद्र में चल के जाना पड़ता है, तो अभी शायद पानी ज़्यादा होने के कारण एंट्री नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, तो बाहर से ही इसको देखते हैं और फिर चलते हैं अगले स्पॉट की तरफ। देखिए मुकेश अंबानी की बेटी की बेटी का घर आने वाला है। अभी आप जो पीछे देख रहे हैं ये वर्ली टू बांद्रा सी लिंक है मुंबई का, तो चलिए अभी उसकी सवारी करते हैं, उसका सैर करते हैं। लीलावती हॉस्पिटल, यह भी जब मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, ये सामने देखिए सी है और इसके ठीक पीछे शाहरुख खान का घर मन्नत, जहाँ पूरी पब्लिक भीड़ लगा करके फोटो खिंचवा रही है। एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। आप अभी मैं आया हुआ हूँ बांद्रा बैंड स्टैंड, बांद्रा के सी बीच पे, जो शाहरुख खान के मन्नत के ठीक सामने जो बीच है। आप देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, समुद्र की लहरें अभी उफान पे हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। वो सामने दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो शाहरुख खान का घर है और ये सी है।
और अभी मैं पहुंच चुका हूं मुंबई का सबसे फेमस बीच जुहू बीच। ये देखिए मेरे पीछे जुहू बीच का नज़ारा है, पब्लिक भरी पड़ी है यहाँ पे और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इस बीच को। उधर देखिए सिक्योरिटी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो थोड़ा देर इस बीच को एंजॉय करते हैं हम लोग भी और फिर यहाँ से निकलते हैं अगले स्पॉट के लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं अपने अच्छे अच्छे पिक्स डालता रहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा व्यू है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं पानी के अंदर। और अभी पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है, जो तरंगे उठ रही हैं वेव उठ रही है बहुत ज़्यादा है। मुंबई घूमने के लिए मैंने एक टैक्सी हायर किया है जो 1800 से 2000 में मिल जाती है और जहाँ जहाँ आप घूमना चाहो आप घूम लेते हैं, जो जो मेन पॉइंट है आप घूम सकते हैं। तो मैंने भी एक टैक्सी हायर किया है और उससे मैं घूम रहा हूँ और इस मुंबई को एंजॉय कर रहा हूँ। ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये मुकेश अंबानी का घर है। और अभी मैं पहुंचा हुआ हूं मुंबई के सबसे बेस्ट पॉइंट पे, नरीमन पॉइंट। आप देख सकते हैं ये सामने सी, और इसे आप मुंबई का सबसे महंगा एरिया भी बोल सकते हैं। आप देखिए इधर सामने ओबेरॉय और ट्राइडेंट होटल सब यहाँ पे है और ये पूरा जा रहा। तो अब हम लोग घूमते घूमते थक चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने होटल में और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यहीं ख़त्म नहीं करते हैं, अभी मरीन ड्राइव की ड्राइव लेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मुंबई में ऐसे तो घूमने को बहुत कुछ है, हमने जितना हो सका हमने घूमा और जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय।